fear is a natural phenomenon like hunger and sex. Anyone who says he is not frightened is a liar, except perhaps the Gurkha. हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल. आप सुन रहे थे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को. अगर कोई कहे कि उसे डर नहीं लगता है तो वो ज़रूर झूठ बोल रहा है, या फिर शायद वो गोरखा हो. जी हाँ, गोरखा. गोरखा क्या है? गोरखा इज़ अ एथनिसिटी. गोरखा इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन नेपाल जहाँ से कि मैक्सिमम लोग आर्मी में जाते हैं. एक्चुअली ये वर्ड गोरखा शुरू कहाँ से हुआ है आप लोग जानते होंगे. उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो गोरखपुर से हैं. गोरखपुर में क्या है, गोरखनाथ जी का मठ है जहाँ के वो मठाधीश हुआ करते थे. तो ये गोरखा शब्द जो है ये एक्चुअली गोरक्षा से बना है. संत गोरखनाथ जो थे वो सिर्फ संत नहीं थे, एक्चुअली ही वॉज ऑल्सो अ वॉरियर. और उनकी जो विचारधारा थी उसका मुख्य उद्देश्य था गोरक्षा. तो गोरक्षा से ही ये शब्द बना है गोरखा. गोरक्षा, गोरखा, ठीक है. गोरखनाथ का मठ आपको पता है, और तभी से ये ट्रेडिशन चला आ रहा है गोरखाज में. वो बाय बर्थ दे आर एक्चुअली योद्धाज. और वॉर जोन की अगर बात करें तो अनगिनत कहानियां हैं गोरखाज के ब्रेवरी की. उसके अलावा क्या है, नेपाली आर्मी में तो मैक्सिमम गोरखाज हैं ही. इवन इंडियन आर्मी में भी देयर इज़ अ रेजिमेंट कॉल्ड गोरखा रेजिमेंट. और आपको पता होगा हमारे आर्मी चीफ दलवीर सिंह सुहाग, ही वॉज़ फ्रॉम गोरखा रेजिमेंट. उसके बाद फिर जनरल विक्रम रावत, वो भी गोरखा रेजिमेंट से थे, जो कि बाद में CDS भी हुए. ही वॉज एक्चुअली द फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया. तो वो भी गोरखा रेजिमेंट से थे. तो इंडियन आर्मी में कितना महत्व है गोरखाज का ये बताने की ज़रूरत नहीं है. नेपाली आर्मी और इंडियन आर्मी के अलावा ब्रिटिश आर्मी में भी बहुत सारे गोरखाज हैं. उसके अलावा सिंगापुर आर्मी में, रॉयल ब्रुनई आर्मी में, और यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्स जो है उसमें. तो गोरखाज एक्चुअली जन्मजात योद्धा होते हैं. तो इससे बढ़िया डेफिनेशन गोरखाज के लिए कोई नहीं दे सकता है जो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने दिया था, कि अगर कोई कहे कि उसे डर नहीं लगता है तो वो झूठ बोल रहा है, या फिर शायद वो गोरखा होगा. अच्छा, गोरखाज पे हम लोग इतना बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आज जिस विस्की का रिव्यू हम लोग करने जा रहे हैं उसका नाम है गोरखाज एंड गन्स. अच्छा, नेपाल की विस्की, नेपाल का वोडका, ये मैंने पहले ट्राई किया है एंड इट वॉज अमेजिंग. नेपाल की विस्की की अगर बात करूं तो इट वाज ओल्ड दरबार. उसका दो वेरिएंट था, एक था टू कॉन्टिनेंट्स और अनदर वाज ब्लैक चिमनी. तो वो दोनों ही अमेजिंग विस्कीज़ है. ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है एक्चुअली, बट वो उसकी बॉटलिंग और वो सारी चीज़ें नेपाल में होती है. और दूसरा एक 8848 वोडका, जिसको कि हिमालय की ऊँचाई जो है 8848, उसके नाम पर उसका नाम रखा गया है. और वो फ्रेंच वोडका है, वो भी अमेजिंग वोडका है. तो उसी सीरीज़ में दिस इज़ गोरखाज एंड गन्स. तो आज हम लोग इसका रिव्यू करते हैं. सबसे पहले अगर इसके बॉटल को आप देखेंगे तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग बॉटल ऑफ विस्की आई हैव एवर केम अक्रॉस. अमेजिंग डिज़ाइन है, बहुत शानदार. आप देखें तो सच में इससे ज़्यादा स्टाइलिश कोई विस्की का बॉटल मैंने देखा नहीं. अनफॉर्चुनेटली मुझे फुल बॉटल नहीं मिल पाया, दैट्स वाई ये दो बोतल है, हाफ हाफ दो बोतल 375 ml वाला यहाँ पे. अदरवाइज़ आई एम क्वाइट श्योर कि अगर ये फुल बॉटल होता तो और शानदार उसका डिज़ाइन होता. अच्छा, यहाँ पे एज स्टेटमेंट लिखा है, एज 10 years. तो अब ये तो जब हम लोग रिव्यू करेंगे तो उस टाइम पे देखेंगे. पीछे लिखते हैं क्राफ्टेड इन स्कॉटलैंड, और उसके बाद काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, क्राफ्टेड इन स्कॉटलैंड सेलिब्रेटेड इन नेपाल. डबल कास्क मैच्योर्ड, मतलब इसकी मेन एजिंग जो है वो एक्स बर्बन कास्क में होती है, और बाद में फिनिश के लिए सेरी कास्क भी यूज़ किया जाता है. तो ये दो तरह के डबल कास्क मैच्योर्ड. तो बस खोलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं. चलिए, कलर आई थिंक इट्स लाइट इन कलर, कंसिस्टेंसी इज मीडियम. अच्छा, ये बॉटल पहले से खुला था तो इसमें बहुत ज़्यादा इसको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसकी नोजिंग स्टार्ट करते हैं.
एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ये 10 साल एज किया हुआ है तो इस तरह का स्मेल नहीं आना चाहिए था। इसमें वो यंग अल्कोहल वाला वो मेटेलिक स्मेल जो होता है, जो कि लेस एज्ड अल्कोहल में दिखता है, वो आई डोंट नो व्हाई इसमें अच्छे से फील कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वो ज़्यादा ही है, मतलब 10 ईयर्स एज्ड स्कॉच विस्की में ये स्मेल तो नहीं होना चाहिए था। उसके अलावा स्वीट स्मेल है, थोड़ा सा वुड का डेफिनेटली, मतलब अच्छा फ्रेग्रेंस है, ज़ीरो स्मोक और फ्रूटी और थोड़ा सा सिट्रस लाइक ऑरेंजेस के जैसा, और थोड़ा सा यस ऑरेंज के जैसा, और कुछ पाइनएप्पल या फिर पियर के जैसा एक स्मेल है। हालांकि आप जब 2-3 बार स्मेल कर लेते हैं उसके बाद फिर वो यंग अल्कोहल वाला जो स्मेल आपको शुरू में मिला था वो धीरे धीरे कम होता जाए, जैसे कि अभी वो कम महसूस हो रहा है। बट फिर भी अगर 10 इयर्स का एज स्टेटमेंट है तो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि उसमें यंग अल्कोहल का स्मेल आपको मिले। तो अगर सिर्फ नोजिंग की बात करें तो आई एम नॉट रियली इम्प्रेस्ड विद द फ्रेग्रेंस एंड अरोमा। चलिए सीधा टेस्ट पे आते हैं। इट्स स्वीट, ये स्वीट है, लेकिन नाक से भी धुआं निकलता है जो कि 10 ईयर्स एज्ड स्कॉच में नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है पैलेट पे भी, या फिर नीचे इनगल्फ करने के टाइम पे भी आपको बहुत ऑकवर्ड नहीं लगेगा। लेकिन तो मेरे को क्या लगता है, इसमें 10 ईयर्स एज जो है ना वो स्कॉच विस्की यूज़ किया गया है, उसके अलावा ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट वो भी ब्लेंड किया गया होगा, और वो डेफिनेटली लेस एज्ड होगा, जिसके बारे में बॉटल पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आई थिंक ये चीज़ होना चाहिए। ओक वुड का ठीक ठाक स्मेल है, काफ़ी स्वीट है, थोड़ा सा हनी का टेस्ट आपको मिलेगा, और जैसा मैं बता रहा था सिट्रस फ्रूट स्पेशली ऑरेंज के जैसा, और थोड़ा सा पाइनएप्पल के जैसा, और हल्का सा एक ग्रीन एप्पल कह सकते हैं या पियर कह सकते हैं, उस टाइप का एक टेस्ट मेरे को मिला। मीडियम टू लाइट बॉडीड विस्की है, इसका माउथ फिल कुछ ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, और फिनिश इज़ वेरी क्विक, बहुत जल्दी नीचे जाता है, और ऑलमोस्ट मुंह का टेस्ट बहुत जल्दी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, और लास्ट में एक जो स्पाइसी नोट आता है वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा प्लेजेंट नहीं लग रहा है, आई डोंट नो वाई। और वो स्पाइसीनेस ना हो करके वो कुछ मेटेलिक टाइप का, मेटेलिक कहने का मतलब है कि कुछ अननेचुरल टाइप का स्पाइसेस के जैसा एक टेस्ट आ रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। सिर्फ एक चीज़ अच्छा ये है कि इट्स ईजी टू ड्रिंक, आपको बहुत ज़्यादा हार्श नहीं लगेगा पैलेट पे, आपका मुंह जलेगा नहीं, या आप जब नीचे इनगल्फ करेंगे तो आपको बहुत थ्रोट में और नीचे आपको बहुत हार्श फील नहीं होगा। लेकिन इट्स नॉट एक्चुअली वेरी प्लीजिंग टेस्ट नहीं है, और स्मेल में तो मैंने पहले ही कहा था। हालांकि इसकी प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ है नेपाल में, तो उसके हिसाब से दिस इज़ ओवर प्राइज्ड। लेकिन जो इसकी बॉटल का जो डिज़ाइन है और वो बाकी सारी चीज़ें, वो टॉप नॉच की है। ये डेफिनेटली ओल्ड दरबार, ब्लैक चिमनी और टू कॉन्टिनेंट से बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है बॉटल में देख करके, अमेजिंग। और यहाँ पे गोरखा का जो एक पिक्चर बीच में दिया है,
आई डोंट नो आप लोगों को कैमरे में समझ में आ रहा है या नहीं, अमेजिंग, बहुत खूबसूरत। तो बाकी पैकेजिंग, डिज़ाइनिंग, ये सब तो अमेजिंग है, लेकिन जो अंदर में जो प्रोडक्ट है वो उसमें उतना दम नहीं है, क्या कर सकते हैं। ऑनेस्ट रिव्यू अगर करना है तो सिर्फ मैं बॉटल देख करके और इसका प्राइस देख करके तो मैं इसकी तारीफ़ के पुल नहीं बांध सकता हूँ। तो मेरा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा था इस विस्की से डेफिनेटली, क्योंकि मैंने इसके पहले जो जैसा आपको बताया कि ओल्ड दरबार और फिर या 8848 वोडकास, तो इट वाज एक्चुअली बियॉन्ड इमेजिनेशन, वो बहुत शानदार विस्की और बहुत ज़बरदस्त वोडकास थी। इवन जो ओल्ड दरबार ब्लैक चिमनी जो है उसको तो मैं ऑलमोस्ट जॉनी वॉकर डबल ब्लैक से कंपेयर करता हूँ, बहुत शानदार अमेजिंग स्मोकी विस्की है। लेकिन इसको आप कोई एंट्री लेवल ब्लेंडेड स्कॉच विस्की के साथ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। ये आप इसको कंपेयर किससे कर सकता हूँ, आई थिंक कुछ ये ब्लेंडर्स प्राइड और रॉकफोर्ड और एंटीक्विटी से ये कंपेयर करने लायक है। मेरे को नहीं लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा बेटर विस्की ये है। तो आई थिंक आई एम डन विद दिस रिव्यू। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।